अच्छा जी की तरफ से, जो लाइफ का सबसे अच्छा वाला लेक्चर है, इट्स रिलेटेड टू महाभारत। उसमें जो चीज़ें सिखाई गई थी तो वो मुझे अभी वापस से वो सब सिखा रहे हैं, तो इट्स गुड। आप लोगों को भी सुनना चाहिए। थोड़ा मेरे भाई में और समीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो नैना ऑब्वियसली नहीं जाती बिकॉज़ वो अपने भाई से भी बहुत प्यार करती है, समीर को भी बहुत पसंद करती है, तो वो धर्म संकट में बेचारी किसको सपोर्ट करे किसको ना सपोर्ट करे, तो कहीं ना कहीं वो परेशानी चल रही है जिसका एक छोटा सा सल्यूशन चाचा जी उसको ला के दे देते हैं। तो उन्होंने नैना को ये समझाया कि किसी की हेल्प करने से पहले ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, आपको अपनी तरफ से हेल्प करनी चाहिए, सामने वाला आपकी हेल्प कितनी लेता है उसका क्या यूज़ करता है वो उसके ऊपर है, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अगर हेल्प करनी है तो कर देनी चाहिए। थोड़ी बहुत पता थी, मैं महाभारत सीरियल देखती थी। टिप काम तो आने वाली है नैना के बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी उलझन में फंसी पड़ी थी कि वो किसको सपोर्ट करे किसको ना करे, कहीं अगर वो समीर को सपोर्ट करती है तो वो अर्जुन को तो धोखा नहीं दे रही है, अर्जुन को सपोर्ट करती है तो समीर को तो नहीं, तो वो इस टेंशन में थी और चाचा जी ने उसको समझाया इतने अच्छे से। अभी वो एकदम रिलैक्स्ड है, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं, क्योंकि अब उसको पता है कि वो अगर किसी की हेल्प करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी, आई रियली 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 लव यू अ लॉट, इतना सारा प्यार देने के लिए, वो भी इतने कम टाइम में, इतना जल्दी, हम लोगों ने इतना प्रमोशन भी नहीं किया था फिर भी इतने अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, उसके लिए थैंक्स अ लॉट एंड रियली लव यू सो मच। प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए।